तबीयत सच में बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती भाई बच्चों को। एक तो आप दोनों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। मत जानो यार। फिल्मों में आते थे इच्छा धरे नाग, वो तो नहीं था। मणि बेटा आपके पास हमारी इच्छा पूरी कर दो। बहुत मारता है ये गरीब आदमी। इसकी हाइट देखो, खत्म होने का नाम है नहीं ले रही। मैं शादी के बाद आया हूँ तो हम भी आ गए और बजरंगबली जी भी मिल गए हमें। जिंदगी के सबसे बड़े नंदी जी देखे मैंने, चौटे डोले से जाने। हरियाणा में इसको बैठक बोलते हैं। हमेशा शहर की भीड़ में खो गए थे, आज हरियाणा पहुँचे हम। मैंने बहुत सालों के बाद ये लुक किया है, थोड़ी सी तारीफ करके इतनी हमारी हैसियत नहीं है। अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी आगे देखते होता है क्या। नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रात के बज गए हैं पूरे 12। तो मैं जाने वाला हूँ भैया जयपुर, और हमारे मामा जी हैं, उनका कोई एक छोटा सा प्रोग्राम है, वहाँ जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं और पायल जा रहे हैं। ठीक है, हो गई रेडी, सामान ढूंढा, पैकिंग कर लिए। तो आज सारा दिन गोलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अभी भी इसको थोड़ा बहुत कोल्ड है। और मैं बच्चा, हाँ जी। तो आज हमारी शायद एक नैनी भी नहीं आई है, तो सारा लोड गोलू के ऊपर आने वाला है। बस कपड़े मैंने पैक कर लिया, सारा रख लिया। काम और करियो, दोनों बच्चों को घर ही छोड़ दो साथ में। भाई ऐसे थोड़ी होते, बुखार हो रहा है देखो, अभी भी कितनी तेज बुखार हो रहा है मुझे। मना किसने किया, बुखार तो है ही। मैंने दवाई दी थी इसे तो, दोपहर में भी डोलो। अरे पायल यार देखो, चाहना है तो चली जाए, साथ में बच्चा ले जाए। ज्यादा यार तुबा किसी भी एक बच्चे को साथ में ले जाओ, बड़ी मुश्किल होगी। चावल में परेशान हो जाएंगे गोलू, ये बहुत टाइम होगा। मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस भी तो चाहिए। अभी ये लगा ले, देख रात के कितना टाइम हो रहा है, अभी तक ये सोया नहीं। अब तुबा उठ जाएगी। काम करिए, बाद में बातें करे। तू बैग पैक उठा। तबियत सच में बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती भाई बच्चों को। एक तो आप दोनों ने मेरा जीना आराम कर रखा है, ऊपर से जैद ने देखना जरा मेरा नाक पूरा छिल दिया। आप यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? इतना तो मैनर्स होता होगा ना, बच्चे के नाखून तो काट सकती है ना। ये भी तो देखो ना कि 103 बच्चे हैं, काट दी। अब रात को 12 बजे नाखून काटू उसके। तू जाके आराम कर ले। ऐसे कैसे आराम कर ले, सोएगा नहीं, अभी तू पहुंच जाएगी। तो तेरा भी ऐसे थोड़ी सेंस होनी चाहिए ना दिमाग में। मैं इतने प्यार से बोल के जा रही हूँ यार, ऐसे कैसे बात कर रही है। मेरे को बिल्कुल बातें अच्छी नहीं लगती। कब से? अभी से। मैं क्या प्यार से बोल रही हूँ बोलू। मेरे भी सर में दर्द है, पर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मामा ने बहुत प्यार से बुलाया है। 4 बच्चे मैं संभाल लेती हूँ, पहले भी संभाले, बहुत बार संभाले। बात वो नहीं है, बात ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप बोलो, मेरी बात तो सुनी करते। हाँ सुन, वो बड़ी है, जुबान नहीं चलाती, थोड़ी देर आराम कर। क्या मम्मी, क्या मेरे को समझा रहे हैं? मत करो, मत जानो यार। एक काम कर, सुन 5 मिनट रुक जा, जैद को साथ ले जा। तेरे को लग रहा है ना इसको साथ में ले जा, मैं संभाल नहीं सकती इसको। मैंने पैकिंग थोड़ी करी है इसकी, तो 5 मिनट में कर दूंगी। छोरे की पैकिंग करने में टाइम लगता है क्या? नहीं, बीमार हो जाएगा। मैंने यार पायल यार मेरी तबीयत। चलो जाओ यार, बाय बाय। क्या मैं अकेला जा रहा हूँ, ये नहीं जा रही। मुझे पता था, मेरे मम्मा आगे जाऊंगी, बच्चे बीमार है, ये बीमार है कैसे है ना। मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था पायल नहीं जाएगी, पायल मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। इतनी देर से ड्रामा कर रही थी, इसका मतलब मैं इसको चेक कर रही थी। देखियो, लाइफ टेस्ट देती हूँ। ये नाखून है, अब इसे मार क्यों रही है? वो टेस्ट पापा मारू जो मम्मा को मारने को नहीं मारते है। कोई देखेंगे ना कहेंगे अरमान ने मारा। 5 मिनट पहले ये दिख रहा है मुझे, नाक पे दिख रहा है, गर्दन पे तो ऐसा हाल हो रखा है जैसे देखो छाले हो गए। ये है ना ये आपका बेटा है। बेटा ये देख लो, बार बार इतने लोग इतना बोलते हैं, ये ओहट खाता बीमार पड़ेगा। देखना कितने नाखून ऐसे बजे हुए मेरे मुँह पे, यहाँ पे देखियो पर मुँह पे इतने सारे निशान लग रखे हैं। ये जैद का है, ये तूबा का, ये नहीं मैं समझ गई। ये वाला अभी थोड़ी देर पहले अयान को उठाया हुआ था ना, तो मैंने अयान ने मेरे को छुट्टी मारती, मैं कहती ओए बड़ी तेज़ लगेगी। तो ये वाले शायद अयान के हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए। अरे आज दिन में इनके नाखून काटने थे, भूल गए। तो मुंह से काटोगे या फिर अब तो मशीनें बहुत आ गई बच्चों के, काटते हैं। और वो ट्रिमर नहीं है, हाथ और नाखून वाला, उससे करेंगे। पीछे से एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप फार्म पे चले जाना। तो मैंने वहाँ पे ना मोती है, मोती के तो सिर पे चोट लगी हुई बहुत सारी, और जितने भी एनिमल एक बार संभाला ही, खाना वाना देखा ही उनका। ठीक है, जब आप दिल्ली गए थे तब भी तो किया था ना। पता है मुझे, फिर भी हमारे काम है ना। वो तोते जैसे जीव निकालता है, इसकी जीभ इतनी लंबी है। ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम में नाक पर टच करने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ फिल्मों में आते थे इच्छाधारी नाग, वो तो नहीं था नाग। नहीं नाग मणि होते ना उनके पास। मणि बेटा आपके पास हमारी इच्छा पूरी कर दो, अपना खुद का फार्म बना ले। मुझे ये समझ में आता है, लोग ना 2-2 3-3 फोन कैरी कर लेते हैं। 2 फोन यहीं पड़े रहते हैं, एक फोन में साथ लेके घूमता हूँ ना। ये मेरे गिफ्ट किया फोन है, मतलब मुझे गिफ्ट किए थे किसी ने। ये लो ले लो, पूरी गड्डी ले। खाना नहीं गंदा होता है, पेपर केमिकल होते हैं इसमें बहुत सारे। और चलो लक्ष्मी जी है, बहुत केमिकल होता है ना, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। किसकी हाथ लगी हो ना तो गंदी बात होती है। वैसे इसका इम्यूनिटी वैसे वीक है इतनी। बाकी सारे बच्चे सो रहे हैं, बाकी तीनों सो रहे हैं। हमारे दोनों बच्चों से भी मिल लिया, बच्चे दोनों सो रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी हो, देखना गिरने वाला था। क्या कर रही है? पलटी मार दी। अब अकेले छोड़ने के लायक नहीं है। अगर 1 सेकंड भी पायल बाहर होती इसका तो हो जाता, सर पे कान बन जाती, टपोला बन जाता तेरे सर पे। मुँह इसको ना वहाँ छोड़ा करो। एक ना हुआ था बेड पे ऐसे चोरस लगाने का, पायल वो मंगवा ले। अब 3 बच्चे हो गए हैं। 1 सेकंड के लिए देखो यहाँ बैठी थी पायल, शरारती हो रहा है। देखो 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 पागल हो गया बेटा, बहुत मारता है ये मेरे को, तो बहुत ही गंदा है। चल ठीक है गोलू, मिलता हूँ। चलो बाय। ओके बाय बाय। पैरी पोना। अबे कितनी बार बाय बाय करोगे? जाओ बाय बाय पापा, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, आई लव यू, लव यू टू, लव यू मी। चलो बाय। हाँ ले आऊँ, आशीर्वाद ले आऊँ तेरे मामा का। तो अभी अभी हम नीचे पहुंचे और हमारे सूरज भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में। क्यों भाई? एक बार नहीं 10 बार फोन करने पड़ते हैं। अभी शाम को आपसे मैंने मैसेज करवाया कि भाई सबके सब जवाब दिया करें, ठीक है? और कम से मुझे 10 मिनट हो गए बंदे को मैसेज किया, और 12 बजे आपने बोला था कि आ जाना, 12:10 हो गई। तो क्या करना चाहिए तू बता? करना क्या चाहिए भाई अब बताओ? आप बोलोगे पनिशमेंट दे दे? आप करोगे जो करोगे। मुर्गा बना दे? हाँ बना दो, बना दे। क्या रिपोर्ट है टाइगर? फोन नहीं उठा रहा भाई। ऊपर चलो यार, इन्होंने दिमाग खराब कर रखे इनको ना। हमें लग रहा है कि हम नौकर हैं। हम ही नौकर है भाई, हमें फोन करके सबको बोलना पड़ता है। आ जाओ फटाफट नीचे। चल फिर अगर टाइम की बात करें ना, टाइम के मामले में मैं बहुत ज्यादा पंचुअल हूँ। बिल्कुल भाई, टाइम अगर मैं किसी को बोलूंगा ना 6 बजे मिलना है, तूफान आए आंधी आए, मैं 6 बजे मिलता हूँ टाइगर। टाइम के मामले में बहुत पंचुअल हूँ। अरे कहाँ रह गया तू? लिफ्ट में नीचे आ गया। लिफ्ट तो चली नहीं रही, सबसे लेट करता है तू। बहू बन गया यार तू तो हमारी, बहू संगार नहीं हुआ ना। बिल्कुल भाई सही कह रहा हूँ, फोन करके परेशान हो गया हम तो। जिस कैमरे से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, इसका चार्जर ही नहीं उठाया। इतने कलाकार है, तेरे को बहुत जल्दी रहती है ना, तेरे को समझ नहीं होती सामान की क्या क्या लाना है। इतना सामान पैक किया मैंने, तूने तो किया यार, तेरे को तो समझ आनी चाहिए। इसका चार्जर तो चाहिए हमें, सब कुछ छोड़ देते यार। तो गाइस सफर बहुत ज्यादा लंबा है, 400 किलोमीटर। लेते हैं प्रभु का नाम, हर हर महादेव। चले भाई, चले भाई, चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो सूरज। ओके ओके बेटा बाय बाय। तो गाइस अभी अभी एक भसूड़ा हो गया है। वह क्या है असली? देखो भसूड़ी होती है छोटी, भसूड़ा होता है बड़ा। जिस हाईवे पे हम चढ़े हैं ना, वो सीधा जहाँ में जाना वहीं रुकेगा, और रास्ते में कोई ढाबा नहीं है। सबसे कमाल की बात देखो, ये शक्ल देखो, भूख के मारे कैसे परेशान हो रहा है सूरज भाई। वैसे मैं थोड़ा सा कुछ खा के निकला था, क्योंकि मुझे पता नहीं वाले रोड पे ढाबा डुबा मिलेगा नहीं, और मैंने निकलने से पहले बोला था कि मैं ढाबा नहीं होगा, कुछ खाने के लिए ले लेना। चलिए कोई बात नहीं भैया, सूरज भाई पहुंचा ही देंगे। हमारा रास्ता था वैसे 7 घंटे का। सूरज भाई ये रफ्तार इतनी तेज है कि 4 घंटे में पहुंचा देगा। अगर उससे ज्यादा रफ्तार हुई और मत पहुँचा दियो मैंने। फाइनली भाई हम पहुँच गए ढाबे पर, बहुत मुश्किलों से मिला। यहाँ खाना कम, चाय वाय पकौड़े वकोड़े है जो हमारा पवन खाएगा। तो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने ना ये 2 बाल्टी लिए दाल की, तो भाई साहब ने ना हमारे टाइगर को देखा करे कम पड़ेंगे। तो मैं बोला एक तो हम इसी के लिए ले रहे हैं, बाकी तो ये कि मैं निपट जाएंगे हम सब। ये तो जैसे गिलास होता है ना चाय वाला गिलास, बाल्टी लग रही है। खा जाएगा ऐसी दाल की 20 कह रहा भाई, गरीब आदमी हो गए। यहाँ पर आ गया भैया हमारा लजीज खाना। एक काम करो बच्चों, एक एक रोटी लो सारी, और बाकी वहाँ दो भैया को। प्रसादा लो, प्रसादा एक एक लो, बाकी उसको दो। तो फाइनली भैया हम पहुँच गए होटल में, और हमारे मामा यहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे। और सबसे खास बात क्या है, 370 किलोमीटर था। 12:15 में हम घर से निकले थे, 3:45 पे इसने यहाँ पहुँचा दिए। यहाँ से हमें एहसास होता है की हमें एक लाइफ इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। खच्चम खा जाए मामा, बहुत फर्स्ट टाइम। यकीन नहीं था ना? नहीं यकीन नहीं भैया, हमने भी ड्राइवर रखे हैं। देखो ऐसी रेल बनाता वाला है ना ये, कुछ मत। हमारा टाइगर तो आके बैठा हुआ था, बस सोया पड़ा था और क्या? सोया पड़ा था, खुद नहीं पता कैसे बोलते हैं। तो भैया ये है हमारे मामा का होटल, जो इन्होंने रेंट पे दे रखा है। ये देख लो पीछे पूरा बहुत बड़ा, 50 गज का फ्लोर है। तो आराम से आ जाओगे तुम इसमें। अकेला चाहिए बैठ या एक अलग से कराओ? अकेला करा दूं। हमारा टाइगर भाई कह रहा है की इसपे मेरे ना पैर छोटे पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे चाहे 2-4 फुट और भी लंबा होगा ना, अब भी आ जाएगा। इसकी हाइट देखो, खत्म होने का नाम है नहीं ले रही। ये तो पूरा सोफा ले लिया है, बचा ही नहीं कुछ आगे। एक काम करता हूँ तुम्हें बेड पे उछला के दिखाता हूँ, बेड पे इसके कितने पैर बाहर रहते हैं। अरे यार गलती होगी, मुझे इतने बड़ा बेड बनवाना था। ये देखो पाँव देखो, इतने पैर बाहर है। सूरज एक काम कर, थोड़े से ना इसको ना, हाँ कटवा दे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम मस्ती कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली, हमारी पूरी टीम। तो मामा का जन्मदिन है कल, यहाँ होने वाली है पार्टी, है ना मामा? तो यहाँ पर सूरज भाई को लग रही है फुल ठंड। तो कल यहाँ पर भैया प्रोग्राम होने वाला है, चारों तरफ देख लो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और भैया सुबह सुबह नाश्ता देखो आ गया है, और मामा जी हमारे बैठे यहाँ पर। और अभी हम जाने वाले हैं नहा धो के, आसपास एक मंदिर है, आज मंगलवार भी है, मत्था टेक लेंगे वहाँ पे भी। और उसके बाद शाम को होने वाला है प्रोग्राम शुरू। कौन पहुँचे हैं जयपुर? तो आप शायद जानते हो इनको, और एक लड़की भी पहुंची है उधर से, उसको मिलवा देता हूँ। पहले इनसे मिलो, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक? पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ। को मेरा पढ़ना। अच्छा जी, ये देखिए सैंडविच खा रही हूँ। वेरी गुड, साथ में कोल्ड कॉफी भी। तो ये है मुस्कान, और ये अपने आप को मॉडल बताते हैं, और इसकी डाइट है ये। डाइट तो देख लो इसकी, ये देखो कोल्ड गोभी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाने वाली, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। जैसे हम कैमरा बंद करेंगे ना तो ये सब कुछ यही खाने वाली है। नहीं नहीं, ब्लैक टी ओनली। ओके रिपोर्ट वाली, चलो फिर रेडी हो जाओ। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं भैया मामी से मिलने, नाना से मिलने। तो रेडी हो गए मामा भी, तो निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते। पहुँच गए भैया हम मामा के फार्म पे, और मामा ने भी भैया गाय रखी है, भैंस रखी है, और साथ साथ हमें डॉगी भी मिल गई। भैया जहाँ जाते हैं हमें हमारे बच्चे मिल जाते। ठीक है, तू खाना वाना खाया तूने? सेम जैसे हमारा फार्म है ना, वैसे इनका ये पर्सनल फार्म है। ये गाय बहुत छोटी थी, आपने कोई नाम रखा हुआ इनका? नाम नहीं रखा, नाम तो रखना चाहिए ना। चलो ये तो हमारी गौ माता है, वैसे मारती तो नहीं है। हेले मार लिया। ये है हमारा सुंदर लोंडा। वैसे तो सारे सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर इसकी आंखें हैं। आंखें देख लो, क्या बात है। और खाना खा लिया तुमने? कोई नमस्ते नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं है। यहाँ पर मिल गए हमें बजरंगबली। तो अभी हम पहुंचे हैं बाबा रामेश्वर दास जी का मंदिर है ये। जो भी रिश्तेदार फिर कोई भी आता है तो यहाँ पे जरूर मत्था टेकता है। तो हम भी आ गए और बजरंगबली जी भी मिल गए हमें। तो यहाँ पर ना बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं भगवानों के, और इस मंदिर का इतिहास बताता है। ये पंडित जी हैं यहाँ पे, बाबा बोल सकते हैं हम, जो विरासत से मतलब अगर हम बात करें 100-200 साल पुराने, तो यहाँ संभालते थे चीज़ों को। तो उनकी एक अपना स्थापना की गई है फोटो की। तो यहाँ पर है विष्णु जी, बहुत सारे अवतारों में है ये। तो ये भैया जो हमारे पायल हैं, या फिर अब समझ लो हमारा भी, इनका भी ये कुल देवता है। इन्हीं की स्थापित की है फोटो। मंदिर भी इन्हीं के नाम से है ना, बाबा रामेश्वर दास जी के नाम से मंदिर। तो यहाँ पर हमारे राम जी बैठे हैं सीता मैया के साथ। यहाँ पे कृष्ण जी हैं। हर जगह भगवान ही भगवान है। खून बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप तुम यहाँ बैठना चाहो तो 2-4 घंटे निकाल सकते। तो अभी नंदी जी के दर्शन किए हैं, और अब तक का जिंदगी के सबसे बड़े नंदी जी देखे मैंने। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो, बाबा जी ने यहीं पे लास्ट समाधि ली थी। मंदिर को बने हुए अबाउट ये तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को मतलब पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम से, मतलब अगर बात की जाए तो 100-150 साल पुराना है। थोड़े डोले दिखा दे, डोले चाट दे, डोले जाने। तो हरियाणा में इसको बैठक बोलते हैं। बात की जाए तो आज 10 साल बाद बैठक में बैठा हूँ। हमेशा शहर की भीड़ में खो गए थे, आज हरियाणा पहुँचे हम। तो भैया हम मिले हैं हमारी नानी से, और नानी बहुत टाइम के बाद मिली है। और पायल और गोलू इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि गोलू की तबीयत खराब थी, और अगली बारी मैं पायल को ले गया हूँ। भैया फिर आप आना, ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। तो भैया ये है हमारी नानी की फैमिली। ये हमारे बड़े मामा है, पीछे छोटे मामा है, यहाँ पे हमारी मामी है, यहाँ पे हमारी बच्चियाँ हैं दोनों। और बस अभी निकल रहे हैं होटल की तरफ, और उसके बाद चलेंगे। ये भैया हमारा सोन कर रहे हैं हमारे जो मामा है। तो ये भैया हमारे हरियाणवी में अगर बात की जाए तो हमारा मान सम्मान किया जा रहा है। हमारी नानी कर रही है, बोल सकते हैं कि हमारी सासू माँ। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं शादी के बाद आया हूँ। शादी के बाद नहीं आया करते, मेरी माँ भी कराया करती, जो हमारा जी जाया करते ना। तो भैया निकल रहे हैं अभी। तो भैया सभी भाइयों के साथ पहुँचे हैं। हमारे भाई हैं यहाँ पे, और ये तो हमारे मामा हैं, बाकी ये हमारे भाई हैं। और बस अभी नीचे जाएंगे, थोड़ा सा खेल कूद करेंगे, खाए पियेंगे, फैमिली की बातें करेंगे, फ्यूचर की बातें करेंगे। तो भैया आज का जो लुक है ना, मैंने बहुत सालों के बाद ये लुक किया है। तो मुस्कान थोड़ी सी तारीफ कर। फिर ये तो बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है नेक्स्ट पीएम आप ही होने वाले हो। इतनी हमारी हैसियत नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। मामा क्या है नीचे बताना थोड़ा सा। इधर बहुत झगड़ा है, मीटिंग हो रही है नीचे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज। तो भैया कुछ सरप्राइज आने वाला है यहीं पे हमारे नारनौल में, उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, और बहुत ही जल्दी इस चीज का आगाज भी करेंगे क्या करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, अरमान सर का स्वागत ऐसे हुआ है जैसे कि इलेक्शन में वही खड़े हैं। आप देखिए एक बार उनकी तरफ, इतनी सारी मालाएं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने मालाएं पहना के स्वागत किया है। व्हाट अ वार्म वेलकम। अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी आगे देखते होता है क्या। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। सडनली प्लान बनाया परसों की तुम परसों आ जाओ, मैंने बोला ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी फैमिली के साथ आने की, पर मैं अकेला यहाँ पहुँचा। आने के बाद आप लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जितने लोग मुझे सुन पाए अपना अपना ध्यान दो, जितना हो सके अपनी बुजुर्ग का भी ध्यान रखो। नमस्ते। तो भैया बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, बहुत प्यार मिला नारनौल से। तो बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्ते, बाय बाय, ध्यान रखो, जय हिंद, जय भारत।